चिकन मिक्स वेज चप्पे चलो चलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप सबों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी नए साल अच्छे से एंजॉय किए होंगे। तो हमने भी नए साल में कुछ बच्चों को मिला करके छोटी सी मौज मस्ती लायक पिकनिक मनाया था, तो वही वीडियो आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए आपसे वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को देखिए, वीडियो एंजॉय कीजिए। हम लोगों ने किस प्रकार से मस्ती एंजॉय किया था पिकनिक में, ज़्यादा नहीं थे हम लोग, कम सम ही थे बच्चे और फैमिली के मेंबर थे। तो हम लोग पास के ही जो नदी है हमारे यहाँ स्वर्णरेखा नदी है, तो इसी जगह हम लोग आए थे पिकनिक के लिए। तो चलिए आपसे वीडियो में आगे बने रहिए, वीडियो देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सबको हम आगे। इसे तो मुझे खुना भी बढ़िया है। कितना है ये बना? 2 किलो। एक नाम तारे
चलो ऐसा पकड़ के निकालो रिक्ची। हाँ निकालो ना, निकाल करके फिर से ये करना पड़ेगा वहाँ पर। लोड करेंगे कैसे, ऐसे दिखना पड़ेगा साइकिल के सामने निकालना पड़ेगा। तो अभी हम लोग फिलहाल निकलने वाले हैं, वैसे काफ़ी लेट हो चुकी है, बहुत लेट हो गया है, 12 बज के पार हो गया है। इससे पहले तो हम 8-9 बजे निकल जाते थे, लेकिन इस बार बहुत लेट हो गया, हम लोग खुद से लेट कर दिए हैं। और मौसम भी आज का ठीक नहीं था, सुबह सुबह बादल छाया हुआ था, बारिश आने का ऐसे लग रहा था, तो अभी फ़िलहाल धूप निकली है। तो चलिए चलते हैं, लेट लेट में ही कोशिश करेंगे जल्दी वहाँ सब कुछ करने का। तो चलिए आप सब वीडियो में बने रहिए, देखिए हम लोग क्या क्या करते हैं वहाँ जा करके। तो बस इस बार हम लोग का पलटन इतना ही बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत कम ही लोग जा रहे हैं पिछले बार की तुलना में। और सबको अपना अपना साजो सामान लिए हुए हैं, कुछ साइकिल में हमने लोड किया है, 2-2 साइकिल लिए हैं, ये एक साइकिल, इसमें कुछ सामान है और उसमें कुछ लोड किए हैं, और जितना हो सके सबको हम लोग हाथ में भी लिए हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, आगे चलते हैं। ए ए शगुन रस्ते सब ये करता, समेटो झोला में घुसा, बाद में काम आएगा। तुम तो खाली हाथ है, तुम्हारे लिए तुम्हें बना रहे हैं, तुम भी बना रहे। इतना लेट, पता नहीं कब होगा, कब पकाएंगे और कब आएंगे। रीना कुछ बोलो। बॉयज ग्रुप कहाँ है इस साल? हम लोग के स्टूडेंट कुछ कम ही हैं, तो हम लोग इतने सारे पिकनिक जा रहे हैं। हमारे कहाँ से भागे? बॉयज ग्रुप पीछे हैं साइकिल में, सब सामान लोड हो चुका है, वही सबको लेके आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी जल्दी। सबसे लास्ट में जा रहे हैं हम लोग, शायद कोई बात नहीं, फर्स्ट हो जाएंगे। लगभग 2 घंटा लगेगा खाना सब्जी बनने में, हो जाएगा। देखो 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 बदमाश लोग को, अभी तक पूजा वूजा पार हुआ नहीं है और बेर खाने के लिए लपक रहे हैं। वो
अभी कच्चा वाला। सर्दी खांसी हो जाएगी, कच्चा है। ये वाला पेड़ का बेर, लगभग सारे पेड़ में ज्यादा ही बेर हैं, फल लगे हैं। तो अभी हम लोग नदी पहुंच ही चुके हैं और थोड़ी सी दूरी कुछ कदम लाइन बाय लाइन अभी चलना शुरू हो गया है। जा रहे हैं, चलो पीछे पीछे लाइन बाय लाइन। रास्ता तो देख नहीं रहे, इधर उधर देख रहे बस, और पीछे कुछ आगे। मतलब अभी का जो रास्ता है ना, वो बहुत ही छोटा टाइप का है, तो साथ में सब चल नहीं सकते हैं, इसलिए जूरी होने को। साल में एक नहीं, साल में दो बार आते हैं नदी, एक बार पिकनिक के टाइम पे और एक बार सरस्वती पूजा प्रतिमा विसर्जन के टाइम। रास्ता देख सकते हैं आप सब, कुछ अच्छा नहीं है, इसीलिए इधर तो खड़ा हुआ है। मतलब लकड़ी सब मोटा मोटा है तो वो जल्दी जलेगा नहीं, इसलिए सब बच्चे लकड़ी चुनते हुए जा रहे हैं, छोटी लकड़ी सब, ताकि जल्दी से आगे पकड़े। और ये देख सकते हैं आप लोग, हम लोग नदी पहुंच गए और अब आप देख सकते हैं नदी का नजारा कुछ ऐसा है। चलो, एक क्या हो रही है कल्पना, किसको झांक रही है? रास्ता देखो, सड़क देखो, सड़क नहीं, नीचे देख के चलो। और नदी मतलब पूरा साफ नहीं दिख रहा है, कुआसा किया है तो धुंधला धुंधला नजर आ रहा है हर तरफ, बालू ही बालू हर तरफ। वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कुछ नजर आ रहे हैं लोग, तो वो लोग भी साथ पिकनिक ही आए हुए हैं, और इधर पता नहीं नहाने आए होंगे। बालू में चलना बहुत मुश्किल लग रहा है। हमारे इधर में नदी में बालू ही बालू है, बहुत कहीं जगह पथरीला होता है, पत्थर पत्थर, पर हमारे इधर अच्छा है, सिर्फ बालू ही बालू। सब कोई का चलना थोड़ा स्लो हो गया है, उतना भीड़भाड़ का नहीं है, पर सेकंड हाफ में भीड़भाड़ हो जाएगा शायद, क्योंकि सब शायद घर से बना बना के ला रहे होंगे, पर हम लोग तो सिर्फ नाश्ता बनाए हैं और लंच तो हम लोग को यहीं पे बनाना है, ज़्यादा कुछ आइटम बनाना नहीं है, तो हम लोग जल्दी जल्दी बना लेते हैं। चलिए वीडियो पे आगे बने रही, भैया लोग भी स्लो हो गए साथ में, साइकिल थक गए। हम लोग इतने ही कैंडिडेट हैं पिकनिक के लिए, सबके पहुंच गए बस इतने ही,
फ्रेश कर लेते हैं थक गए बहुत। तो अभी हम लोग नदी तो पहुंच गए हैं, लेकिन चूल्हा वगैरह सब बनाने के लिए हम लोगों को पत्थर लेके आना पड़ेगा। थोड़ा अंदर तक घुसे हैं तो साइड में इधर पत्थर मिलेगा। आ रहे हैं हम लोग, इतना कोई इधर भी बच्चे लोग भी आए हैं। पत्थर नहीं ले जाएंगे तो हम लोग चूल्हा कैसे बनाएंगे और खाना कैसे पकाएंगे। तो पत्थर लेने आए हैं, देखते हैं कितना थोड़ा बड़ा साइज का पत्थर भी मिलता है। तो फिलहाल हम लोग इधर पत्थर ढूंढ रहे हैं चूल्हा के लिए, थोड़ा बड़ा बड़ा साइज का पत्थर मिलेगा तो। ये हो गया क्या रे, देख एक ठो हो सकता है। तो ये देखे सब पत्थर मिला है। ए बच्चे लोग पकड़ो सब धो। जय बजरंग बली। चलो सब पत्थर पहुंचा। और एक ग्रुप पिकनिक वाले आ रहे हैं, देखिए अभी और मजा आएगा। चलो यार इसके लिए तो कुछ भी नहीं है। एक बार पहुंचा क्या आया, सबसे ताकतवर है जादू, नाम जादू है, वो करामत भी जादू ही करता है। चलो हम लोग देखते हैं चूल्हा बन रहा है कि नहीं। हो जाएगा और दो कमरे। क्या बन रहा है यहाँ पे? कुआं पीने का पानी, पकाने का, पकाने के लिए पीने के लिए कुआं। साफ करो अच्छे से। देखिए लोग कुआं बना रही है। देखिए जादू पहलवान को। चलो चूल्हा तो बन गया। ये लोग को देख थक गई, पत्थर लग गए। ये हमारी डायरेक्टर डायरेक्शन दे रही है कि चूल्हा कैसे बन रहा है कि नहीं। उधर में गाना बज रहा है, जल्दी जल्दी खा पी लेते हैं।
मंदिर में चूल्हा बन के रेडी हो गया है और आग भी जला दिए हैं, खाना चढ़ाने के लिए पानी दे दिए हैं यहाँ पर। अरे बच्चा सबको नाश्ता दिया जा रहा है, बच्चा सब हम लोग सबको भी नाश्ता करेंगे। वैसे काफ़ी लेट हो गया, नाश्ता का टाइम तो पार हो गया है, पर फिर भी नाश्ता वास्ता कर लिया जाए, इसके बाद देखा जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो वीडियो के बाकी हिस्से हम अगले भाग में देखेंगे, तो वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए।